आनंद को भोगना है तो इस कहानी को जरूर सुने। सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से अमर हो जाते हैं। काफी दिनों तक देश दुनिया में भटकने के पश्चात आखिरकार सिकंदर ने वो जगह पा ही ली जहां उसे अमृत की प्राप्ति होती। वो उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां अमृत का झरना था। वो आनंदित हो गया। वो अंजलि में अमृत को लेकर पीने के लिए झुका ही था कि तभी एक कौवा जो उस गुफा के भीतर बैठा था जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। बड़ी दुर्गति की अवस्था में था वो कौवा। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र था। सिकंदर ने कहा, तू रोकने वाला कौन? कौवे ने जवाब दिया, मेरी कहानी सुन ले। मैं अमृत की तलाश में था और यह गुफा मुझे भी मिल गई थी। मैंने यह अमृत पी लिया। अब मैं मर नहीं सकता, पर मैं अब मरना चाहता हूँ। देख मेरी हालत, अंधा हो गया हूँ, पंख झड़ गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गल गए हैं। एक बार मेरी ओर देख ले, फिर मर्जी हो तो अमृत पी ले। देख अब मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि कोई मुझे मार डाले, लेकिन मुझे मारा भी नहीं जा सकता। अब प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा से कि प्रभु मुझे मार डालो। एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मर जाऊं। इसलिए सोच ले एक दफा, फिर जो मर्जी हो सो करना। कहते हैं कि सिकंदर सोचता रहा, फिर चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया बगैर अमृत पिए। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।